हाँ तो हम लोग बात करेंगे आज बैलेंसिंग ऑफ चार्जेस का, ठीक है ना। चार्जेस को हमको क्या करना है, इक्विलिब्रियम में रखना है। जैसे एक सवाल लिखा हुआ है यहाँ पे, अब ध्यान से देखो, एक चार्ज Q है, एक और चार्ज Q है, उनके बीच का सेपरेशन कितना लिया L, ये दोनों फिक्स है, ये दोनों अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि वेयर शुड वी प्लेस द थर्ड चार्ज Q टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम, यानी कि बोला कि अब बताओ तीसरे चार्ज को हम कहाँ पे रख दें ताकि ये तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाए, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, सोचने वाली बात है, ठीक है ना, बहुत सिंपल सोचना है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं सोचना है। क्यू क्यू ये दोनों फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है। सोच के देखो, अगर तुमने क्यू को यहाँ फिक्स कर दिया, यहाँ पे रख दिया, तो ये उस पर फोर्स उधर लगाएगा, ये भी उस पर फोर्स उधर लगाएगा, नेट फोर्स इस पर जीरो होने का कोई चांस ही नहीं है। इक्विलिब्रियम का मतलब इस पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, यानी कि इधर नहीं रख सकता मैं। सिमिलरली इधर सोच के रखो, अगर इधर रखा तो ये इस पर फोर्स इधर लगाएगा, ये भी इस पर फोर्स इधर लगाएगा, नेट फोर्स कभी जीरो पॉसिबल नहीं है। तो एक चीज़ तो पक्की सी बात है कि भैया चार्ज को इन दोनों के बीच में कहीं रख दो आप। रख दिया, मान लो कि यहाँ से कितना डिस्टेंस पे रखा, x पे, टोटल L था, तो ये वाला कितना हो गया L माइनस एक्स, सही बात। अब क्या होगा, ये इस पर रिपल्सिव फोर्स पॉजिटिव है सारा, ये इस पर फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, इसको F1 बोल देता हूँ, और ये इस पर फोर्स लगाएगा इधर, इसको F2 बोल देता हूँ। और अगर ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो मुझे पता है कि F1 मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, F2, और बाकी तो भैया कूलम्स फोर्स का कहानी है। F1 इसके द्वारा लगाया गया फोर्स कितना आएगा, के क्यू क्यू, और सेपरेशन है x, तो x स्क्वायर। F2 ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई इनके बीच का सेपरेशन कितना दिख रहा है, L माइनस एक्स होल स्क्वायर। के क्यू क्यू से के क्यू क्यू शहीद हो गया, रेसिप्रोकल ले लो, रूट ले लो, तो x इक्वल टू मिलने वाला है L माइनस एक्स, स्क्वायर गायब हो गया। यहाँ से देखो तो 2x इक्वल टू L, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, L बाई 2। इसका मतलब बड़ी सिंपल सी बात है सर कि इन दोनों, ऑब्वियस सी बात है, आइडेंटिकल सिचुएशन था, इसका भी मैग्नीट्यूड सेम था, इसका भी मैग्नीट्यूड सेम था, तो बोला गया कि इसके मिड पॉइंट पे रख दो, इन दोनों को लाइन ज्वाइनिंग पे जो मिड पॉइंट है वहां पे रख दो चार्ज क्यू को, तो ये चार्ज इक्विलिब्रियम पे रहेगा। अच्छा, ये जो एक्स निकल के आया, ये इसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। यानी कि अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो इस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो कैसे, लैंग्वेज को ध्यान रखना, अब मैं सवाल को थोड़ा सा बदल रहा हूँ। मान लो कि एक चार्ज है Q, एक चार्ज है Q, इनके बीच का सेपरेशन L, और सवाल है कि इस बार माइनस Q चार्ज है, ठीक है ना। क्वेश्चन बिल्कुल वही है, यही वाला सवाल है कि वेयर शुड वी प्लेस द चार्ज माइनस Q टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम। ये दोनों फिक्स है, ये भी फिक्स है, और ये भी क्या है भाई, फिक्स है, ठीक है। तो सोच के देखो माइनस Q को, एक बार इमेजिन करो, इधर रखा, इधर रखा तो ये अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, पॉसिबल नहीं है। इधर रखा तो ये अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, पॉसिबल नहीं है। यानी कि ये तो फिक्स हो गया कि बीच में कहीं रखेंगे, यहाँ रख दिया मान लो, ठीक है बात। कितने डिस्टेंस पे रखा, x पे, तो ये फिर से कितना हो गया, L माइनस एक्स, सही बात। फिर से वही कहानी, ये इस पर अट्रैक्ट करेगा, इधर फोर्स लगाएगा F1, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इधर फोर्स लगाएगा F2, फॉर इक्विलिब्रियम F1 मस्ट बी इक्वल टू F2, सही बात है। ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा, के क्यू, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन तो अपोजिट है ही, डिवाइड बाई एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और ध्यान दो तो के क्यू क्यू आपस में फिर से शहीद हो गया, और अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू एल माइनस एक्स होल स्क्वायर, एक्स इक्वल टू एल माइनस एक्स, तो आपको मिलेगा एक्स का वैल्यू फिर से कितना आ रहा है भाई, एल बाई टू। दैट मीन्स इस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है पता नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस चार्ज का नेचर क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, हमें उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। x का वैल्यू हमेशा कितना आ रहा है, L by 2, कब, जब दोनों फिक्स चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है तब, ठीक है। और इक्विलिब्रियम दोनों ही सिचुएशन में कहां मिला, बीच में मिला, और इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ द थर्ड चार्ज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द थर्ड चार्ज। पहली बात तो ये आप नोट करके लिख सकते हो। अच्छा, सवाल को बदलते हैं। बोला कि सर इन दोनों को पॉजिटिव लिया था आप, नेगेटिव लो, चलो ले लिया माइनस क्यू चार्ज, ठीक है, एक और चार्ज लिया माइनस क्यू, इनके बीच का सेपरेशन एल। सवाल फिर से वही कि एक चार्ज क्यू है, बताओ कहां पे रखा जाए कि ये चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है। सुनते जाना बात को ध्यान से, ओके। तो तीसरे चार्ज को उठा के फिर से देखो, इधर रख पाओगे क्या, ये भी अट्रैक्ट कर लेगा, ये भी अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है। इधर भी नहीं रख पाओगे तो रखना तो बीच में ही पड़ेगा, तो रखते हैं बीच में। यहाँ पे है माइनस क्यू, यहाँ पे है माइनस क्यू, इधर कहीं रख दिया प्लस क्यू, इसका सेपरेशन एक्स, और इसका सेपरेशन हो गया एल माइनस एक्स। ये इसको अट्रैक्ट करेगा एफ वन से, ये इसको अट्रैक्ट करेगा एफ टू से, और इक्विलिब्रियम में अगर रहना है तो एफ वन इक्वल टू क्या होना पड़ेगा, एफ टू।
एफ वन का वैल्यू कितना भाई, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। एफ टू का वैल्यू कितना भाई, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई एल माइनस एक्स होल स्क्वायर। और देखो तो सिचुएशन फिर से वही, एक्स का वैल्यू एल बाई टू। इसका मतलब कि दोनों फिक्स चार्जेस का नेचर क्या है उससे भी फर्क नहीं पड़ा, दोनों पॉजिटिव है तब भी सेम सिचुएशन, दोनों नेगेटिव है तब भी सेम सिचुएशन। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो यहाँ से दो बातें क्लियर हुई। पहली बात तो ये कि बीच वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, उसका नेचर क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा, जब मैंने दोनों को पॉजिटिव लिया और जब मैंने दोनों को नेगेटिव लिया तो इक्विलिब्रियम पोजिशन कहाँ मिला, हमेशा बीच में मिला, यानी कि दोनों को जो लाइन है जो जो दोनों को ज्वाइन कर रहा है उसके मिड पॉइंट पे आ रहा है इक्विलिब्रियम। ठीक है, जब दोनों का नेचर या तो पॉजिटिव है या तो दोनों का नेचर नेगेटिव है। अब मैं बात करता हूं जब एक पॉजिटिव हो जाएगा और एक नेगेटिव हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब मैं जो फिक्स चार्जेस हैं उनके नेचर को बदल रहा हूं, यानी कि एक को पॉजिटिव ले रहा हूं और एक को मैं नेगेटिव लेता हूं, और फिर देखता हूं कहानी में क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। ठीक है, बात मान लो कि एक चार्ज है माइनस क्यू और एक चार्ज है फोर क्यू। ठीक, इनके बीच का सेपरेशन एल। सवाल फिर से वही कि एक चार्ज है क्यू चार्ज है माइनस क्यू और फोर क्यू, एक चार्ज है क्यू। बोला कि इसको कहाँ पे रखा जाए ताकि ये दोनों फिक्स है, ये फिक्स है और ये चार्ज भी फिक्स है, इसको कहाँ रखा जाए ताकि सिस्टम नहीं, ये चार्ज जो है वो इक्विलिब्रियम में रहे, इसको इक्विलिब्रियम में रखना है। ठीक, पहले सोचेंगे हम कि इसको कहाँ रखते हैं। जब दोनों सेम नेचर का था, याद करो पिछला वाला सवाल, जब दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव था तो बीच में मिला था। अब सोचो एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, इसको कहाँ रखना पड़ेगा। इमेजिन करो थोड़ी देर के लिए यहाँ रख दिया, या फिर सबसे पहले बीच में रखते हैं, चलो इसको अगर बीच में रखूँ तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, फोर्स एक डायरेक्शन में है, पॉसिबल नहीं है, तो बीच वाला प्लेस तो गया। इधर रख के देखो, इधर रखा, ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यह शायद पॉसिबल है लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं है, एक बार चेक करके देखते हैं। इधर भी आएगा, कौन सा सही है वो मुझे पता करना है। ये माइनस क्यू है, ये फोर क्यू है, और मान लो यहाँ से x डिस्टेंस पे जाके मैंने इस चार्ज q को रख दिया। ठीक, ये l था, ये x था, ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, f1 बोल दूं, और ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, f2 बोल दूं। इक्विलिब्रियम पोजीशन में f1 मस्ट बी इक्वल टू f2, f1 इसके कारण k 4q q डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, f2 इसके कारण अट्रैक्टिव फोर्स, तो k q q डिवाइड बाई एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सही बात, के क्यू क्यू सही हो गया। उसके बाद अगर हम दोनों तरफ रूट ले लें, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूं, तो मुझे मिलने वाला है 2 बाई एक्स मस्ट बी इक्वल टू कितना, 1 बाई एल प्लस एक्स। इधर 4 का रूट 2 हो जाएगा, तो 2 बाई एक्स मस्ट बी इक्वल टू 1 बाई एल प्लस एक्स। इसको इधर ले आऊं तो 2l प्लस 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x। यहां से देखो, x को इधर भेजो, l को उधर भेजो, तो 2x माइनस x कितना, x इक्वल टू कितना निकल के आ गया, माइनस 2l। और डिस्टेंस कभी भी निगेटिव हो ही नहीं सकता, यानी कि ये तो गलत है। और ये तो मुझे वैसे भी फील आ रहा था, शायद आपको भी फील आ रहा हो, हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा है कितना, के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। फोर्स किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक तो चार्जेस के मैग्नीट्यूड के ऊपर और दूसरा उनके सेपरेशन के ऊपर। ध्यान से देखो, एक तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा, ठीक है, तो फोर्स वैसे ही बढ़ गया। दूसरा, इनके बीच का सेपरेशन कम, फोर्स और बढ़ गया। इस पे देखो, मैग्नीट्यूड कम, सेपरेशन ज्यादा, दोनों ही तरफ से फोर्स कम है, तो ये वाला फोर्स कभी इस वाले फोर्स को बैलेंस कर ही नहीं पाएगा, यानी कि यहां पे जो एफ वन का वैल्यू है वो एफ टू से बड़ा है, तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए गलत निकल के आया। तो फिर सही क्या है, केस टू में देखते हैं। केस टू, मान लो कि इस चार्ज पार्टिकल को उठा के रखा इधर, यहां माइनस क्यू है, इधर मान लो फोर क्यू है, यहां से रखा हमने एक्स डिस्टेंस पे उठा के इधर कहीं रख दिया क्यू को, ये क्या करेगा, इस बार इसको अट्रैक्ट करेगा, एफ वन बोल देता हूं, और ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, एफ टू बोल देता हूं। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे एफ वन मस्ट बी इक्वल टू एफ टू। एफ वन की बात करें, इसके द्वारा लगाया गया फोर्स, यानी कि के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और एफ टू की बात करें, इसके कारण फोर्स कितना, के क्यू फोर क्यू डिवाइडेड बाई एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये टोटल एल था और ये एक्स, तो के क्यू क्यू और इधर के क्यू क्यू उड़ गया। रूट ले लूं अगर, तो यहां बचेगा 1 बाई एक्स और यहां बचने वाला है 2 बाई एल प्लस एक्स।
ये इधर आया तो एल प्लस एक्स इक्वल टू टू एक्स, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना आया एल। यस, ये सही है। तो बोलो कि सर कैसे पता लगेगा, क्या मुझे बार बार ये दोनों केस करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल छोटा सा कॉमन सेंस लगाओ। जब भी दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सॉरी नेचर अपोजिट है तो इक्विलिब्रियम जो थर्ड चार्ज का मिलेगा वो, ये तो पक्का है कि इनके बाहर मिलेगा। कहाँ मिलेगा? जिधर छोटा मैग्नीट्यूड वाला चार्ज है। बड़े मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के पास नहीं जाना है आपको, छोटे मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के पास जाना है। समझ में आ रहा है कहानी? अच्छा, एक और सवाल करता हूँ, कहानी क्लियर हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, एक चार्ज है सपोज, एक और सवाल ले लो। मान लो कि एक चार्ज है क्यू, ठीक है, और एक चार्ज है माइनस नाइन क्यू। यहाँ से आपका कहानी क्लियर हो जाएगा। इनके बीच का सेपरेशन एल है। आपको सवाल वही है कि तीसरा चार्ज क्यू है कहाँ पे रखें कि इसका इक्विलिब्रियम मिल जाए। ये दोनों फिक्स है। आखिरी सवाल है, इस पे देख लो ध्यान से, उसके बाद हम लोग सवाल का पैटर्न बदल देंगे, टाइप बदल देंगे। पक्का है कि दोनों अपोजिट नेचर का है, तो इक्विलिब्रियम या तो इधर या तो इधर। अब मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ किधर मिलेगा, जिधर छोटा वाला चार्ज है, यानी कि यहाँ पे उठा के एक्स डिस्टेंस पे इस वाले चार्ज क्यू को मैंने रख दिया। ये फोर्स इस पे लगा रहा है एफ वन, और ये अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा एफ टू। दोनों बराबर होना चाहिए, एफ वन इक्वल टू एफ टू। एफ वन का वैल्यू कितना भाई? के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। एफ टू अट्रैक्टिव फोर्स इसके कारण, तो के क्यू इंटू नाइन क्यू डिवाइडेड बाई एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये एल और ये एक्स, के क्यू क्यू के क्यू क्यू उड़ गया। दोनों तरफ रूट ले लिया तो वन बाई एक्स इक्वल टू कितना आ गया? थ्री बाई एल प्लस एक्स। यहाँ से देखो तो एल प्लस एक्स इक्वल टू थ्री एक्स, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना आ गया? थ्री एक्स माइनस एक्स टू एक्स इक्वल टू एल। एक्स का वैल्यू कितना? एल बाई टू। यानी कि इस छोटे वाले चार्ज से अगर एल बाई टू डिस्टेंस पे अगर आप, पहली बात क्या लिखोगे आप, कि जब दोनों फिक्स चार्जेज का नेचर सेम है, या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों निगेटिव, तो तीसरे चार्ज का इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा? उनके बीच में मिलेगा। पहली बात तो ये लिख लो। और जब दोनों फिक्स चार्जेज का नेचर क्या है? अपोजिट है, ठीक है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तब जो इक्विलिब्रियम मिलेगा वो उन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग के बाहर मिलेगा, यानी कि एक्सटर्नल लाइन पे। और किसके पास मिलेगा? जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा है उस वाले चार्ज के पास मिलेगा। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं, सवाल का पैटर्न बदलता हूं मैं, दरवाजा बंद कर दो। अब सवाल कुछ ये है, देखिए थोड़ा सा वैरायटी बदल रहा हूं। एक चार्ज है मान लो Q, और एक चार्ज है आपका 4Q। इनके बीच का सेपरेशन L, इस बार फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स्ड। कोई भी चार्ज जो है इस बार फिक्स नहीं है, तो आपको क्या पूछ रहा है? फाइंड पोजीशन कॉमन नेचर एंड मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ अ थर्ड चार्ज Q टू कीप द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। कहानी थोड़ा सा अलग पुराने कहानी से। बोलोगे सर कैसे? पुराने सवाल में ये दोनों चार्जेज क्या थे? फिक्स हुआ करते थे, इस बार फिक्स नहीं है। ऐसे पकड़ के किसी ने रखा है इनको, ऐसे छोड़ देंगे तो भाग जाएगा एक दूसरे से दूर। हमने इसको क्या है, ऐसे पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। अब बोला कि एक तीसरा चार्ज क्यू है, तीन बातें बतानी है, इसका नेचर क्या होगा पॉजिटिव या निगेटिव, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, और इसका पोजीशन क्या होगा कि मैं इसको उठा के रख दूं और तीनों का तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाए, यानी कि पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। समझ में आ रही है बात? ध्यान दीजिएगा एक चीज तो पुराने कॉन्सेप्ट से, कि जब ये दोनों सेम नेचर का है तो तीसरा चार्ज का इक्विलिब्रियम तो कहां मिलता है? बीच में। तो इसको रखना तो बीच में पड़ेगा, ये पुराना कॉन्सेप्ट बता रहा है। तो सबसे पहले वही करता हूं मैं, Q इधर है 4Q, इधर कहीं उठा के रख दिया मैंने Q को x डिस्टेंस पे, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा? L माइनस एक्स। अब ध्यान देना, रखना तो बीच में है, ठीक। सबसे पहले इसका पोजीशन निकाल लेते हैं, ये इस पे फोर्स लगाएगा। अच्छा, पहले इसका नेचर पता कर लेता हूँ, उसके बाद फोर्स निकालने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका नेचर पॉजिटिव है या निगेटिव है? सोचो अगर ये पॉजिटिव हुआ, ये तो इक्विलिब्रियम में है, ये रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा, इसके बारे में सोचो। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो इसको धक्का मारेगा, और ये चार्ज भी इसको धक्का मारेगा, तो ये तो भाग जाएगा दूर। मुझे तीनों को इक्विलिब्रियम में रखना है,
अब सोचो अगर ये निगेटिव हुआ, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इसका इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, इसके बारे में सोचो। ये निगेटिव है तो इसको अट्रैक्ट करेगा और ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, यस पॉसिबल है, इसके बारे में सोचो। ये निगेटिव है इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको रिपेल करेगा, यस ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ सकता है। चेक करते हैं, सबसे पहले इसकी बात करते हैं, ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा F1, ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा कितना F2। पहला चीज़ मैं क्लियर कर चुका हूँ कि ये निगेटिव होगा, ठीक है बात। अब F1 इक्वल टू F2, तो के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू के क्यू फोर क्यू डिवाइडेड बाई ये कितना है L माइनस एक्स होल स्क्वायर। के क्यू क्यू के क्यू क्यू सही, दोनों तरफ रूट ले लूँ तो 1 बाई एक्स इक्वल टू 4 का हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई L माइनस एक्स। ये इधर आया L माइनस एक्स इक्वल टू 2x, यहाँ से देखो तो 3x बन जाएगा, यानी कि x का वैल्यू L बाई 3। देखो भाई नेचर निकाल चुके निगेटिव होगा, पोजीशन निकाल चुके इस वाले चार्ज से कितने डिस्टेंस पर रखना होगा x L बाई 3 पे। अब निकालना है इसका मैग्नीट्यूड q के टर्म में, तो किसी एक को पकड़ लो, इन दोनों में से किसी एक का इक्विलिब्रियम लगा लो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं इसको पकड़ता हूँ, इसको ये क्या करेगा निगेटिव है, इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक, और ये क्या कर रहा होगा, इसको रिपेल कर रहा होगा, ठीक है। इसको बोल देता हूँ मैं F कैपिटल Q और इसको बोल देता हूँ मैं F फोर Q, दोनों इक्वल होना चाहिए क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, F Q मस्ट बी इक्वल टू F फोर Q, ठीक। F Q इसके कारण कितना फोर्स आएगा, K Q Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस तो इनके बीच का x ही है, फोर Q के कारण इसके ऊपर, तो K इसका इसका मैग्नीट्यूड कितना है Q, इसका कितना है 4Q डिवाइडेड बाई इनके बीच का सेपरेशन तो L था L स्क्वायर, तो इस बार देखो तो KQ ये कैंसिल हो गया, ठीक है बात। X का वैल्यू निकाल के रखा है L बाई 3, उठा के यहाँ रख देता हूँ, तो Q डिवाइडेड बाई X स्क्वायर यानी कि L बाई 3 स्क्वायर यानी कि L स्क्वायर बाई 9 मस्ट बी इक्वल टू 4Q डिवाइडेड बाई L स्क्वायर। L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल हो गया, 9 ऊपर चला गया, 9Q इक्वल टू 4Q, तो यहाँ से आप देखो Q का वैल्यू आ गया कितना 4Q डिवाइडेड बाई 9, ये आपका आंसर। यानी कि कुल मिला के बात क्या, कुल मिला के बात ये कि जब सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है तो दो बातों का ख्याल, पहला ये दोनों पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव है या दोनों अपोजिट साइन का है, अगर दोनों सेम नेचर का है तो बीच में मिलेगा इक्विलिब्रियम, ठीक, और उसका नेचर आप चेक करके पता कर लोगे पॉजिटिव है या निगेटिव है, और उसके बाद एक तो इसका लगाओ और एक इन दोनों में से किसी का इक्विलिब्रियम लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये रहा इसका मैग्नीट्यूड, ये रहा इसका नेचर और ये रहा इसका लोकेशन। एक और सवाल करके दिखाता हूँ, बिल्कुल कहानी क्लियर हो जाएगा, देखते रहें आप, वीडियो पॉज करके लिखते रहो, कोई डाउट हो तो फिर से बोल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में मुझे बताते रहना। मैं एक सवाल और कर रहा हूँ, लैंग्वेज बिल्कुल सेम है, एक चार्ज ले लो आप कितना माइनस नाइन क्यू और क्यू, माइनस नाइन क्यू और एक है क्यू, इनके बीच का सेपरेशन एल, कहानी वही है, एक चार्ज क्यू है, इसका नेचर बचाना है, मैग्नीट्यूड बताना है और लोकेशन बताना है फॉर सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम, बिल्कुल पिछला वाला सवाल है, बस इस बार मैंने इन दोनों को क्या लिया है, अपोजिट नेचर का लिया है। तो इन दोनों को जैसे ही अपोजिट नेचर का लिया, आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि जब ये दोनों अपोजिट नेचर का चार्जेज है तो मुझे तीसरे चार्ज का इक्विलिब्रियम कहाँ पे मिलता है, इनके बाहर और किसके पास, छोटे वाले चार्ज के पास। यानी कि एक चीज़ तो पक्का है कि यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे जाके मैं इस चार्ज को रख देता हूँ क्यू। अब रही बात पॉजिटिव या निगेटिव, सोच के देखो, इसको सोच लो, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो इसको रिपेल करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये तो भाग जाएगा ना। अगर ये निगेटिव हुआ तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, यस पॉसिबल है। अगर ये निगेटिव हुआ तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा और ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, पॉसिबल है। यानी कि क्यू कैसा होना चाहिए, निगेटिव, पहला चीज़ तो निकल गया नेचर। अब निकालते हैं लोकेशन, ये एक्स है ये एल है, सबसे पहले इस पर लगाओ क्यू पे, इसके कारण बोल दो एफ वन और इसके कारण अट्रैक्टिव फोर्स बोल देता हूँ एफ टू, सॉरी ये तो निगेटिव है ना, निगेटिव है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको F1 बोल देता हूँ और इसको F2 बोल देता हूँ, ये निगेटिव निगेटिव को रिपेल करेगा। यानी कि F1 इक्वल टू F2 से F1, इसके कारण फोर्स कितना आएगा, KQQ डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर
और F2 इसके कारण फोर्स कितना आ जाएगा, K 9Q into Q डिवाइडेड बाई L प्लस X का होल स्क्वायर। तो आप देखो तो K Q Q कैंसल, बोथ साइड रूट ले लूँ तो 1 बाई एक्स मस्ट बी इक्वल टू कितना, 3 डिवाइड बाई L प्लस X, यानी कि L प्लस X इक्वल टू 3X। यहाँ से X का वैल्यू कितना आ गया, L बाई 2। पहला चीज़ यानी कि नेचर पता लग गया, लोकेशन पता लग गया। अब मैंने क्या बोला था, किसी एक को पकड़ लो, इसको ले लेता हूँ। इसके इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, ये निगेटिव है, इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको एफ क्यू बोल देता हूँ, और ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, एफ स्मॉल क्यू। ठीक, तो इस पर अगर लगाऊँ एफ कैपिटल क्यू मस्ट बी इक्वल टू एफ स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू इस पर कितना फोर्स लगाएगा, के क्यू इंटू 9Q डिवाइडेड बाई, ये लेंथ हो गया एल प्लस एक्स होल स्क्वायर, और ये वाला इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, अट्रैक्ट करेगा ना, उल्टा लिख दिया मैंने, ये है एफ स्मॉल क्यू और ये है कैपिटल क्यू। ठीक है, एफ कैपिटल क्यू कितना आएगा, के क्यू 9Q डिवाइडेड बाई एल प्लस एक्स होल स्क्वायर, और इसके कारण फोर्स कितना आएगा, के क्यू 9Q डिवाइड बाई एल स्क्वायर, के क्यू 9Q डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। के क्यू कैंसल, 9 से 9 कैंसल, तो यहाँ बचा क्यू डिवाइडेड बाई एल प्लस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू कितना बचा है, क्यू बाई एल स्क्वायर, और एक्स का वैल्यू जो हमने निकाला है एल बाई टू, उठा के यहाँ रख देता हूँ मैं, तो क्यू डिवाइडेड बाई एल प्लस एल बाई टू होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, यानी कि क्यू डिवाइडेड बाई, ये बन गया 3L बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 9L स्क्वायर बाई 4, 4 चला गया ऊपर, इक्वल टू क्यू बाई एल स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर सहित। तो यहाँ से क्यू का वैल्यू देखो, 9 उधर गया, 9Q डिवाइडेड बाई 4, और इसका नेचर तो ऑब्वियसली निगेटिव है, तो ये माइनस चार्ज के साथ। यानी कि जब सिस्टम को इक्विलिब्रियम में करना है तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो दो चार्जेस दे रहा है उसका नेचर सेम है या नेचर अपोजिट है। अगर नेचर सेम है तो तीसरे चार्ज को आपको बीच में रखना है, नेचर अपोजिट है तो तीसरे चार्ज को आपको दोनों के बाहर रखना है, और किसके पास रखना है, जहाँ पे छोटा वाला चार्ज है। ठीक है, ये बात आप नोट डाल के लिख सकते हो आप। ठीक है, ओके, आज के लिए थैंक यू, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। आपका जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप, और अगर कुछ और वीडियो आप चाहते हो तो मुझे सजेस्ट कर सकते हो क्या करना है, और अगर आपको लग रहा है कि इससे आपको बेनिफिट हो रहा है तो कृपया अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो, जो भी क्लास 12 में जेईई नीट का तैयारी कर रहा है, और इस चैनल को ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर सकते हो, ये बोलने की बात नहीं है, आपकी मर्जी है ये। ओके, थैंक यू सो मच।